तो गाइस फाइनली हावड़ा टू एक्सप्लेनेड और एक्सप्लेनेड टू हावड़ा मैदान मैंने ट्रैवलिंग कर लिया है और अब जाने वाले हैं मैदान टू हावड़ा वापस रिटर्न। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अभी और एक सीन बाकी है हमारे हुगली रिवर का, तो वीडियो दिखाते हैं आपको। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। मैदान टू हावड़ा, तो हावड़ा मेट्रो और अंडर वाटर का नज़ारा देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है जो पब्लिक, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं तो एक्साइटेड था ही और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आप लोगों को कैसा मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर। और दोस्तों इंटर कर चुके हैं और ये हमारा कॉइन है यानी टिकट है ये हमारा, और यहाँ से हम लोगों को एस्केलेटर नहीं है, सिर्फ नीचे से ऊपर के लिए एस्केलेटर है, बाकी फुट वेयर है इधर में देख सकते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी उतर रहे हैं ट्रेन के लिए, और ये हमारा है मैदान स्टेशन, यानी कहे तो मैदान मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, अभी ट्रेन का हमें वेट करना होगा, और काफ़ी लोग कर रहे हैं और सुंदर सा म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल पंखे के नीचे आते हैं, गर्मी काफ़ी है और देख सकते हैं ये पीछे पंखा है, और यहाँ पे हम लोग हवा खा रहे हैं सुंदर सा। ट्रेन आता है और देखते हैं क्या। और अभी जाएंगे एक्सप्लेनेड, और एक्सप्लेनेड से जाएंगे हावड़ा। मैदान से हम लोगों ने वापस मेट्रो कर ली है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको व्यू दिखाते जाएंगे। फिलहाल हमारे वीडियो कंटिन्यू बने रहिए, और देख सकते हैं इधर यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं, डोर क्लोज हो चुका है, और ये अंदर का क्राउड है, देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है। चलिए आगे दिखाते हैं। फाइनली हम लोगों ने मैदान से पकड़ा मेट्रो और एक्सप्लेनेड में आकर वापस उतर गए। बीच में एक स्टॉपेज पड़ा था हावड़ा मैदान के बाद, एक स्टॉपेज पड़ा था वो था पार्क स्ट्रीट, और उसके बाद एक्सप्लेनेड, तो अभी जाएंगे हम। तो एक चीज आपको बता दे, ये नोटिस करें और ध्यान से देखें, यहाँ पे एक टिक बना हुआ है ग्रीन लाइन का, और जब भी आए मेट्रो में तो इस ग्रीन लाइन से हावड़ा को समझ ले, और ब्लू लाइन एक बना हुआ है, तो अगर आपको हावड़ा जाना है तो आप ग्रीन लाइन का इंडिकेट देखते हुए आगे की तरफ जाए। इस चिन्ह को ध्यान रखे, मेट्रो का सिंबल बनाया हुआ है और ग्रीन लाइन का इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारे हावड़ा के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या सीन होता है, कंटिन्यू वीडियो में बने। तो गाइस फाइनली अभी जाएंगे हम लोग हावड़ा के लिए, और देख सकते हैं ग्रीन लाइन में आ चुके हैं, और हम लोग अभी एस्केलेटर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और देख सकते हैं काफ़ी नीचे बना हुआ है मेट्रो स्टेशन, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जा रहे हैं, और एस्केलेटर भी कंटिन्यू चल रहा है, और पीछे में देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यू बनाया हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल का, और तारामंडल है हमारा देख सकते हैं, और वहाँ पे प्रिंसेप घाट है, सारा डेकोरेट किया हुआ है, और देख सकते हैं विद्यासागर सेतु का भी सीन बनाया हुआ है, और येलो टैक्सी जो कि हमारे कोलकाता का सबसे फेमस टैक्सी है। देख सकते हैं एक एस्केलेटर हम लोगों ने पार किया ऊपर से नीचे आने के लिए, और ये दूसरा एस्केलेटर पार कर रहे हैं उससे भी नीचे जाने के लिए। तो हमारे वीडियो कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में, अंडर वाटर मेट्रो में, और काफ़ी क्राउड है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है कहे तो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं एक्सप्लेनेड टू हावड़ा, और एक्सप्लेनेड टू हावड़ा जाने के लिए फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका है, और अभी हम लोग जाएंगे एक्सप्लेनेड टू हावड़ा मेट्रो। तो चलिए चलते हैं, अभी फिलहाल गेट नहीं खुला है, गेट खुलते ही हम लोग अंदर की तरफ इंटर होंगे, और देखेंगे क्या सीन होता है। हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और देख सकते हैं ये स्टेशन का क्राउड है काफ़ी क्राउड है।
गाइस ये हो गए हम लोग इंटर एक्सप्लेनेट से। अभी हम लोगों ने मेट्रो पकड़ लिया अंडर वाटर हावड़ा के लिए और जाएंगे हावड़ा। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है, फिलहाल मैंने जब आया है फर्स्ट टाइम में तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। फिलहाल अभी तो आते समय अच्छा हुआ था और जाते समय देखते हैं क्या है। तो आते समय थोड़ा यहाँ पर फाका था, यानी क्राउड कम था। अभी देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और पीछे की तरफ भी देख सकते हैं इस साइड में भी काफ़ी लोग हैं। और आपको आगे आगे चलिए और दिखाते रहेंगे सीन क्या होता है। फिलहाल पकड़ लेते हैं क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी है। और विंडो देख सकते हैं यहाँ पे विंडो खुला हुआ है, और जो गार्ड है, गार्ड का बात करें तो यहाँ पे डबल गार्ड दिया हुआ है। एक ट्रेन का अंदर का गेट है और एक बाहर में भी दिया हुआ है। जब तक दोनों नहीं खुलेगा तब तक आप इससे बाहर और ना ही अंदर आ पाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हावड़ा मैदान से गाड़ी खुलती है और हावड़ा मेट्रो महाकरण एक्सप्लेनेट सियालदा और फूल बगान ऐसे होते होते सेक्टर 5 तक जाएगी, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट क्लोज हो गया है, और ये आपका लोकेशन है देख सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें और बाहर का व्यू है, काफी सुंदर दृश्य बना हुआ है, आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे बाहर का व्यू है, आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी काफी लोग हैं यहाँ पे, काफी स्पीड है ट्रेन, काफी लोग हैं इधर में। यहाँ पे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर सारे अवेलेबल है और ब्लॉगर भी है, जैसे कि हम लोग भी है। तो दोस्तों देख ही सकते हैं हमारा अब फाइनल स्टॉपेज आने वाला है जो कि हावड़ा मेट्रो है, और बहुत ही फेमस अंडर वाटर मेट्रो जिसके नाम से प्रसिद्ध है। और काफ़ी लोगों का इंतज़ार था इस ट्रेन में घूमने का जो कि रिवर्स के नीचे से जाती है। वो रिवर्स का सीन आने वाला है अभी और इंडिकेटर दिखाने वाला है अभी। तो गाइस इंतजार नहीं होता है, अब आपको दिखाते हैं वो सीन। फिलहाल हमारे वीडियो कंटिन्यू बने रही है, अभी कुछ ही मिनट में आने वाला है वो सीन जो कि अंडर वाटर रेल के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे मेट्रो रेल के नाम से। तो अभी जस्ट आने ही वाला है, लोग उन भी इंतजार कर रहे हैं इसका। देखते हैं गाइस कितना देर में आता है। और हमारे हुगली रिवर जो कि अंडर कवर अंडर वाटर के नीचे से जाएगी ये मेट्रो, और काफ़ी प्रसिद्ध है एशिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो हमारा हावड़ा में जो हुआ है इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और काफ़ी लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, और हम लोगों ने भी देखने आ गया इधर में। और परवर्ती स्टेशन हावड़ा, দরজা উভয় দিকে খোলা হবে, গাড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের দূরত্ব খেয়াল করবে। अगला स्टेशन हावड़ा, दरवाजे दोनों ओर खुलेंगे, कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। ये जो देख सकते हैं गाइस ये इंडिकेट था ब्लू लाइट का, और ब्लू लाइट जो है ये हमारे हुगली रिवर का है जो कि काफी फेमस है, और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफी लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, काफी सुंदर लग रहा है। और देख सकते हैं ब्लू लाइट इंडिकेट किया हुआ है, और हुगली रिवर के अभी नीचे से हम लोग जा रहे हैं और कुछ व्यू थोड़ा ऊपर का दिखाने का कोशिश करेंगे। ये सारा ऊपर नीचे जहाँ तक रिवर है वहाँ तक इंडिकेट किया गया है इसको ब्लू लाइट से। तो गाइस इसे देखिए, काफ़ी सुंदर दृश्य बना हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देखिए, और हो सके तो आप लोग जल्द से जल्द आए घूमने के लिए, काफ़ी लोग आ रहे हैं। और क्राउड देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है यहाँ पे पीछे में, और सभी लोग देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। और हमारा रिवर चला गया, देख सकते हैं नॉर्मल व्यू दिख रहा है अभी, और जितना दूर रिवर था रिवर का ब्लू लाइट से इंडिकेट किया हुआ था। तो आज हम लोगों ने घूम लिया और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, और जाएंगे अभी गाड़ी एवं प्लेटफॉर्म में माझे दूरत्व। अगला स्टेशन हावड़ा,
दरवाजे दोनों ओर खुलेंगे। कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टेशन इज हावड़ा। डोर्स विल ओपन ऑन बोथ साइड। प्लीज माइंड द गैप बिटवीन द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म। तो गाइस हमारा फाइनली हावड़ा स्टेशन पे ट्रेन आ चुका है और हम लोगों का जर्नी कंप्लीट हुआ। और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अगर एक्सपीरियंस का बात करें तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और ये हमारा मेट्रो काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया गया है और काफ़ी सुंदर जर्नी हुआ हमारा। और हम लोगों ने घूमने का भी अच्छा प्रयास किया था और हम लोगों ने घूम लिया। और भाई का है एक्सपीरियंस कैसा रहा पूछेंगे। बहुत बढ़िया, एक नंबर। ये भाई हमारे बोलने में बहुत घबराते हैं लेकिन आज पूछेंगे इनसे एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बढ़िया था, एक नंबर। हाँ सब ठीक था। और पहली बार इसमें ट्रेन में आए और देखिए गाइस तो गाइस जो ट्रेन में हम लोग अभी आए देख सकते हैं चली गई हम लोगों को रिवर्स के नीचे से लेके आई यानी गंगा के नीचे से। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इंडिकेट भी किए ब्लू लाइट से जिससे हम लोगों को देखने में भी सुविधा था। और काफी लोग देख सकते हैं, काफी क्राउड है, सारे लोग आ रहे हैं और नए एक्सपीरियंस के साथ अपने अपने घर के तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने मेट्रो से उतरते हुए फर्स्ट एस्केलेटर पार किया है और सेकंड एस्केलेटर से जाके बाहर के तरफ जाएंगे। काफ़ी अंदर बना है ये हावड़ा स्टेशन। तो गाइस फर्स्ट एस्केलेटर से हम लोग आए थे ऊपर और सेकंड एस्केलेटर से जा रहे हैं फिर ऊपर। और देख सकते हैं काफ़ी ऊपर में हमारा स्टेशन आने वाला है हावड़ा ओल्ड कॉम्प्लेक्स और न्यू कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा मेट्रो अंडर वाटर हावड़ा स्टेशन। तो इसके लिए हमें जाना पड़ा था अंदर की तरफ, तो शो मैं गया और आप लोगों को भी दिखाया अपने वीडियो में। काफ़ी सुंदर सीन बना हुआ था। और बात करें हावड़ा का तो हावड़ा काफ़ी फेमस है वो तो आपको पता ही है। और ये जब से मेट्रो बना है और काफ़ी फेमस हो चुका है। तो गाइस आज का एक्सपीरियंस काफ़ी सुंदर रहा। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन घूमने गया है और हमारे वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे नए नए वीडियोस लेके आते रहे आपके लिए। तो एस्केलेटर पार कर चुके हैं और तीसरे में जा रहे अभी बाहर निकास की तरफ यानी एग्जिट की तरफ। और अभी हम लोग जाएंगे हावड़ा स्टेशन। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है और रोहित भाई भी है साथ में और काफ़ी लोग हैं। देख सकते हैं आसपास का डेकोरेशन काफ़ी सुंदर किया गया है, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। और पीछे का व्यू थोड़ा देख लीजिए, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये पीछे का व्यू है और काफ़ी सुंदर यहाँ पे कलाकृति बनाई हुई है और काफ़ी लोग हैं देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे जर्नी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा जर्नी कर रहे हैं, कंफर्टेबल जर्नी देख सकते हैं। फाइनली आ गए हैं हावड़ा स्टेशन वापस और पीछे में हमारा है न्यू कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे हमारा ओल्ड कॉम्प्लेक्स। और अभी जाएंगे हम लोग घर वापस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कैसा हुआ था लाइक शेयर कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आते रहे। और जो चैनल में नए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आते रहें। बाय बाय प्यारे दोस्तों।